सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं YouTube का डिवाइन परिवार चैनल को। मैं हाजिर हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो बात करूंगा कुछ इस बारे में करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल हमारी सारी वीडियो इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन आपने बहुत बार ये कहते हुए सुना होगा कि क्या काला जादू होता है, क्या किसी का कोसना हम पे इम्पैक्ट करता है, क्या किसी के कुछ करने से हमारे साथ में जो चीज़ें गड़बड़ होती हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आज इन तरह के तमाम चीज़ें जो रहेंगी आज हम उस पर खुल के डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज़ को समझाऊंगा, ये क्या है, कैसे काम करती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, अपने आप को कैसे इससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें एक भूमिका बनानी पड़ेगी ताकि आप इसको ईजिली समझ पाओ। वो कैसे समझोगे, पहले ये समझो कि आप कौन हो, उसके बाद में अगर कोई आपके ऊपर कुछ ऐसा कुछ करता है तो इम्पैक्ट किस रूप में करता है, क्या वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर देता है या कुछ इससे बचा जा सकता है, और बचा जा सकता है तो किस तरह से बचा जाएगा, और वो इम्पैक्ट जो करता है आपके अंदर किस चीज़ पर करता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ हो जाती है जो स्लो डाउन हो जाती है जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हो, आपकी तरह तरह की चीज़ें ऐसा होने लगती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो का जो टॉपिक रहेगा या थंबनेल रहेगी वो ये है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। देखिए, जो एनर्जी है यानी कि ईंधन, जो आप चलते हो, कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, इसके अंदर एक ईंधन आपकी बॉडी के अंदर, वो है एक एनर्जी। इसे आप समहाउ एक सोल का भी नाम दे सकते हो, आत्मा बोल सकते हो, या तरंग बोल सकते हो, वाइब्रेशंस बोल सकते हो, जिस हिसाब से भी जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड करके अगर जिसे आप समझ पाओ, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, वो आगे वो डिटेलाइट करके मैं आपको समझाऊंगा। पूरी एक प्रेजेंटेशन भी रेडी करिए ताकि आपको अच्छे समझ पाए। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि एनर्जी होती क्या है। तो देखिए, एनर्जी होती क्या है ये अभी आपको प्रेजेंटेशन में पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये ऑलरेडी मैंने बना कर रखा हुआ था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो इसमें क्या था कि इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। जी, तो इसका सबसे पहले हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी जो आज के वीडियो का थंबनेल है, टॉपिक है या पार्ट है, तो ये है हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। इसमें एक पिक्चर दी हुई है, वो लिखा हुआ है। पिक्चर से मैंने ये दर्शाने की कोशिश करी है कि एनर्जी को हम क्या फॉर्म दे सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। और आज मैं तो थोड़े दूसरे हिसाब से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझ लीजिएगा। तो जैसे सबसे पहले अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एनर्जी है क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये होना चाहिए कि है क्या भाई एनर्जी। तो इसको भी हम एक बार समझेंगे कि भाई एनर्जी है क्या। तो एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी एक, जैसे मैंने बताया कि एक फ्यूल है, एक ईंधन है हमारे शरीर में, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। वो फ्यूल एक तरह से अगर ग्रीन है तो बहुत अच्छा है, अगर उस थोड़ा सा रेड हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा रेड हो गया तो प्रॉब्लम है, पूरा रेड हो गया तो प्रॉब्लम है। एक एग्जाम्पल के लिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जो एनर्जी है वो है क्या। अब उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो आगे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो मैंने लिखे हैं, पूरे इसमें बनाए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ों को समझने में कि आखिरकार एनर्जी है क्या, इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 100 नंबर ले लीजिए, 100 नंबर का कुछ भी एक, जैसे एक मेरा दूसरा मोबाइल फोन है, ये आपकी एक एनर्जी है, ये 100% है अभी चार्ज इसकी बैटरी, तो 100% आपकी एनर्जी है। और अगर इसमें से 20% आपने कंज्यूम कर ली, खर्च कर ली, आपका एक दिन स्टार्ट होता है तो आप एकदम ऊर्जावान होते हो सुबह में, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पूरा दिन ढलता जाता है तो आपकी एनर्जी डाउन होती चली जाती है। तो उस 100% जो ग्रीन एनर्जी है उसमें से हो सकता है कि 10% 20% रेड आ गई हो, यानी कि आपके तरह तरह की बातों से, या जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो की, लोगों ने आपके साथ में गलत करा, आपके प्रति गलत वाइब्रेशंस भेजी, आपके प्रति कुछ गलत करने के लिए ब्लैक मैजिक ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, तो आपकी एनर्जी जो है इम्पैक्ट होनी शुरू हो गई। जब वो इम्पैक्ट होनी शुरू होती है तो आपको कैसा फील होगा, हो सकता है कि अचरज हो, बीमार हो जाओ, आपको लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, ये तो पहले मेरे शरीर के साथ में इस तरह से नहीं होता था, बट सडन अब ये क्या होने लगा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
तो इसी में यही है कि एनर्जी जो क्या है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका 100% कोई पार्ट है, जस्ट टेक इट फॉर एग्जाम्पल कि ये ग्रीन है ये हरा है, उसमें से 20% किसी ने काला या लाल, बस एक दर्शाने की कोशिश करूँ ताकि आप समझ सको, कोई एनर्जी डाल दी, ब्लैक एनर्जी डाल दी, किसी ने मैजिक करने की कोशिश करी, किसी ने आपका मूड खराब कर दिया, तो आपकी जो 100% एनर्जी थी उसमें से 80% तो सही है लेकिन 20% गलत हो गई। तो उसको हमेशा 100% रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो आज हम समझेंगे। एनर्जी को आप समझ चुके हो कि एनर्जी एक तरह से हमारा ईंधन होता है, फ्यूल होता है, इसको अगर हम टुकड़ों में डिवाइड करो तो हर एक दिन की एक एनर्जी होती है, वो 100% ईंधन हमें सुबह में मिलता है जब तक हमारा दिन खत्म होता है, या दिन वो खत्म ही इसलिए होता है क्योंकि हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर हम सोते हैं, फिर से उसे रिस्टोर करते हैं, इसी प्रोसेस के साथ में चलते रहते हैं। इसको कई तरह के डायमेंशंस के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट बेसिक लेके चल रहे हैं ताकि सबको समझ में ईजिली आ सके। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, अच्छे से रखने के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल है, किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई स्पिरिचुअल काउंसलर है या कंसल्टेंट है या कोई भी होगा या साइकोलॉजिस्ट कोई है, वो पर्सन आपको यही बताएगा, बी काइंड टू योरसेल्फ, यानी कि अपने प्रति, खुद के, जो भी आपकी बॉडी है, जो भी आपका माइंड है या आपकी सोल है, या आप खुद हो या आपको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, बस ये सिद्धांत देख लो, अपने प्रति बहुत अच्छे रहो, दयालु रहो, काइंड रहो, कि कोई अगर आपको बुरा बोल रहा है तो देखिए उसने तो बुरा बोल दिया, लेकिन आप हम सभी अपने आप को सजा देते हैं बुरा मान के कि उसने बुरा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कहा। तो आपको क्या करना है, अपने प्रति काइंड रहना है। गलती होती है आपसे, मुझसे, सबसे। गलती हो तभी तो ये बिजनेस चल रहा है, किस चीज का, कर्मा का, इन सारी चीजों का। तो उस बिजनेस को चलते रहने के लिए गलती होना भी जरूरी है, बट उससे सीखना, सारी चीजों से लर्निंग लेना एक बियॉन्ड है और एक बहुत अच्छी चीज है। तो इसी के ऊपर सारी स्पिरिचुअलिटी चलती है, पूरा डायमेंशन कह लो, पूरा यूनिवर्स इसी के आसपास घूमता रहता है, आप इतना समझ लीजिए। तो गलती से हमें नहीं घबराना, बट गलती के बाद में हमेशा गिल्ट में रहना। और देखिए गलती कई प्रकार की हो सकती है, हो सकता है किसी में आप अपने आप को माफ नहीं कर सको, लेकिन किसी चीज में आप टेम्परेरी खुद को दुखी रखते हो, लेकिन एक वक्त के बाद में आप निकल जाते हो उससे। तो ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एनी हाउ अपने आप से प्यार करने की कोशिश करो। ये जितना इजी लग रहा है सुनने में कि मैं तो अपने आप से प्यार तो कर ही सकता हूँ, लेकिन कई बार हम इस प्यार करने के चक्कर में सेल्फिश हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आज तो आपको लग रहा है कि बस मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन कल को आप सेल्फनेसनेस के चक्कर में अपने बारे में भी नहीं सोचते, फिर आप अपनी जो एनर्जी है, आत्मा है, या कुछ और भी, जिसे भी आप जैसे करना चाहो, उसको भी कष्ट देते हो, उसकी भी केयर नहीं करते। तो बी काइंड टू योर सेल्फ, इसका मीनिंग टोटली अलग है अगर आप अपने सेल्फिशनेस में इसको जोड़ना चाहते हो। तो पहला पॉइंट क्या है, बी काइंड टू योर सेल्फ, अपने प्रति काइंड हो जाओ। इसके बाद मैं अगला जो कथन है उस पर जाऊंगा। इसमें मैंने बताया है कि कैसे काइंड हो सकते हैं अपने प्रति, हालांकि जो मैंने बोला है उसमें सब कुछ आ चुका है कि सेल्फ काइंडनेस रखनी है, कॉमन ह्यूमनिटी रखनी है, माइंडफुलनेस काम करने हैं, और आगे इस पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहूँगा। तो इसके बाद में आता है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्या है, लेट गो। आपने देखा होगा कि हमारी दुनिया किन्हीं गिल्टों में, गिल्ट होंगे या कुछ ना कुछ परेशानियों में उलझते रहते हैं। अगर मैं अच्छा सा एग्जाम्पल लूँ अपनी जनरेशन का और सबको समझ में आए, तो आप देखो एक कपल को ले लो, ऑनगोइंग सिचुएशन हो कि अगर कोई आप में से आपकी लाइफ के बारे में देखेंगे, तो किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपकी भाषा में या मेरी भाषा में या यहाँ के जो इंसानी भाषा में, धोखा दे दिया। अब हम उसको पकड़े रखें, उसको भी गलत वाइब्रेशंस दे रहे हैं, उसकी भी एनर्जी को इफेक्ट कर रहे हैं, उसने दे दिया और हम अपना तो नाश कर ही रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यूसली करते जाएंगे, जो हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे, जो आज का हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, हम उसकी भी खराब कर रहे हैं, अपनी भी खराब कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊंगा, थोड़ा क्लोज फ्रेंड की बात है।
तो देखिए, जब आप किसी से वाइब्रेशंस के साथ में, वाइब्स के साथ में मिलते हो ना, दिल से दिल मिलते हो, तो जैसा आप कहते हो ना कि रेकी का कुछ ऐसा होता है कि मैं तो उनको याद ही कर रहा था और उनका कॉल आ गया, टेक्स्ट आ गया। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में रहते हो तो होता क्या है कि आप, आपके इंटेंशन ठीक है कि मैं ज़्यादा गलत नहीं सोचना चाहता या उसके साथ कोई गलत ना हो, लेकिन फिर भी हम इतना गलत सोच लेते हैं, उनकी एनर्जी को इम्पैक्ट करते हैं। जो आप सोचोगे इसी तरह से वो लो फील करना स्टार्ट कर देंगे। तो उनको भी पता आना चाहिए कि अगर किसी की गलत वाइब्रेशंस आपके पास में आ रही है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और आपको भी पता करना चाहिए खुद से कि क्या मैं किसी के प्रति गलत सोच रहा हूँ। गलत सोच रहा हूँ तो उसको गलत की जगह कैसे इंस्टेड उसको चेंज कर सकता हूँ या कन्वर्ट कर सकता हूँ कि अच्छा सोचूँ, ताकि उनकी जो एक एनर्जी है, अगर वो ग्रीन से थोड़ी डल ग्रीन हो चुकी है तो और ज़्यादा सदाबहार ग्रीन हो सके। आपको इस बारे में सोचना है। और वो कैसे आएगा, देखिए, किसी भी चीज़ से अपेक्षा रखना हमेशा हमें तंग करता है, परेशान करता है। हम लेट गो किसी भी चीज़ को कब नहीं कर पाते, जब भी हमें उससे उम्मीद होगी, अटैचमेंट होगा, मोह होगा, इन सारी चीज़ों पे, तो हमें क्या है, उससे हमेशा की तरह डी अटैच होने की कोशिश करनी है। उसकी प्रैक्टिलिटी को समझना, जो प्रैक्टिकल सारी चीज़ें हैं उसको हमें समझने की कोशिश करना है कि धरातल पे ये चीज़ कैसे काम करती है। अगर वो नहीं करती तो उससे हमें पीछे छुड़ाने की ज़रूरत है। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, बट यू कैन ट्राई। इसके बाद में आगे बात। बी यूनिक। अब आप कहोगे कि ये क्या बात है, बी यूनिक, यूनिक तो सब होते ही हैं, तो इसमें नया क्या है? देखिए, इसमें नया है, हम बहुत लोगों की कॉपी करते हैं लेकिन हम अपने आप को यूनिक नहीं बना पाते। और देखिए, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, आप सब लोग इन सारी चीज़ों को जानते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बट हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि मैस हो चुका है, कचरा भर चुका है आपके, सबके, मेरे, सबके माइंड में, हम उनमें उलझे रहते हैं। हमें अपना सेल्फ का तो पता ही नहीं है कि हम कौन है, तो एनर्जी तो दूर की बात है, जिसको यही नहीं पता कि हम है क्या आखिरकार, तो एनर्जी कैसे डिफाइन करेगा। हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो जो आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को बहुत बोर लगेगी कि क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, खुद का भी, और बहुत अपने अपने तरह से, जिस तरह का आज उनका ऑरा है या जितनी उनकी समझ है वो उसको उस हिसाब से लेंगे। बट आज जैसे मैंने कहा कि बी यूनिक, आपको यूनिक रहना है। यूनिक कैसे रहेंगे, इसमें एक और पॉइंट है जो आगे आएगा, लेकिन अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आप हो सच में, जो रियलिटी आपकी है, हो सकता है दूसरों के अगर आप परवाह करोगे तो उनके हिसाब से वो गलत होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो गलत हो, क्योंकि आपके हिसाब से वो सही है तो सही है, लोग, दुनिया क्या कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप खुश हो ना तो सही है। तो हमें अपनी चीज़ों पे जो यूनिकनेस ईश्वर ने या ईश्वर के घर से आप विराजमान करके लेकर आए हो, अपने साथ में लेकर आए हो, उस यूनिकनेस से आप बहुत कुछ करना चाहोगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके लाइफ, ये जो जन्म है, ये जो सफल होगा, ये जन्म का जो पर्पस है वो जो सफल होगा इसी वजह से होगा। अगर आप दूसरों को कॉपी करोगे कि हाँ भाई वो भी इस तरह से सारी चीज़ें कर रहा है तो उसको देखा देख मैं भी कर सकता हूँ, तो हमारी जो यूनिकनेस है वो धूमिल हो जाएगी, वो पीछे छूट जाएगी, तो हमें उसको मेंटेन करने की जरूरत है। इसके बाद में आगे आएगा, ये सारे पॉइंट बिलीव मी बहुत हेल्प करते हैं आपको वाइब्रेशंस जो रहती हैं, जो भी आपकी एनर्जी रहती है उसको मेंटेन करने के लिए। हालांकि आप समझो नहीं समझो बात की बात है, लेकिन मैं समझाऊंगा बाद में, बहुत कुछ आपको एक ऐसा सब कुछ बताऊंगा ताकि आपको एक क्लियरिटी आ जाए कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है माइंडफुल एक्शंस। आज आपका दिन निकला, आपने बिस्तर छोड़ा, उसके बाद में आपके सामने 6 चीजें पड़ी हुई हैं, 10 काम करने हैं आपको। 10 काम में से 4 काम ऐसे हैं कि दूसरे से डिस्कशन करने हैं। डिस्कशन में ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ गर्मा गर्मी हो जाए, आपका मूड खराब हो जाए। जो प्रिटेंड करना जानता है ना, वो इतना गर्मा गर्मी नहीं करेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन जो होते हैं वो गर्मा गर्मी कर लेंगे, क्योंकि वो दिल के साफ होंगे और वो जो सामने बोलेंगे, बोलना चाहेंगे वही बोल देंगे, उससे चीज़ें खराब होंगी वो बात की बात है, लेकिन वो बोल देंगे। तो कहने का क्या मतलब, मैं जो कहना क्या चाहता हूँ कि सुबह में आपको 10 काम हैं, 10 में से 4 में ऐसे डील करनी है कि लड़ लो, कुछ भी कर लो, रिजल्ट वही आना है। तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिवली, अगर उसमें जितना भी माइंडफुल कर सकते हो, जितना भी एक अच्छे से केयरफुली एक्शन ले सकते हो, वो लेने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा उन चारों को रिड्यूस करके, कि उनका कुछ होना नहीं है, उनसे कुछ कर नहीं सकते, तो उनको कन्वर्ट कर सकते हो।
जैसे इसमें मैंने दो पिक्चर दर्शाई हैं, ये माइंडफुलनेस के लिए बहुत अच्छी है, रिलैक्सेशन के लिए आप इसको बोल सकते हो, या जीवन की समस्याओं से रूबरू होते हुए उनसे लड़ते हुए बाहर आने के लिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्या है कि आप कहीं शांति में बैठ सकते हो, उसको महसूस कर सकते हैं। आजकल मैं एक आपको बात बताता हूँ, विलेज की बात बताता हूँ। विलेज में लोगों का स्पेशली गाँव में जो होता है कि जन्म होता है और यूँ ही मर जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता है। हालांकि वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, लोग कभी खराब नहीं होते, वो बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर काइंडनेस बहुत भरी रहती है, इनबिल्ट फीचर्स है उनका। कुछ लोगों का मैं नहीं बोलता, लेकिन मोस्टली जो विलेज के लोग होते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन बस उनको जब मैं देखता हूँ तो एक ही समस्या होती है, उन्हें स्पिरिचुअलिटी का ऐसा भी नहीं पता। वो धार्मिक बहुत होते हैं, बहुत धर्म की पूजा करते हैं, जिससे भी धर्म से रिलेट होते हैं, क्योंकि उनको वही सिखाया जाता है। बट उनको आत्मा जैसी चीज़, ये सोल क्या होती है, ये एनर्जी क्या होती है, इन चीज़ों से वंचित रहते हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी परेशान करने वाली चीज़ है, हालांकि इस पर हम वर्क कर रहे हैं कि उनको कैसे अवेकन किया जाए, कैसे उनको जोड़ा जाए इन सारी चीज़ों से। होपफुली एक दिन हम कर लेंगे। तो ये है कि आपको जो भी एक्शंस लेने हैं आज के दिन के या कल के, मैं थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने पहले बताया टुकड़ों में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें कोशिश करनी है कि कैसे भी करके उनको जो भी आज के काम है, जो भी आज की रूटीन है, उसको अच्छे से करा जाए, स्माइल होनी चाहिए इस तरह से। तो उससे क्या होगा कि आपके एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी, किसमें, जो हम ग्रीन मेंटेन करके चल रहे थे, जो 100% है। अभी दिन के 12 बजने वाले हैं, आपने ऑलमोस्ट 30% दिन का निकाल दिया या 40% निकाल दिया, और उसके बाद में जो आपका बचा हुआ है उसको आप ग्रीन में मेंटेन करना चाहते हैं और मैक्सिमाइज जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो ईंधन है, उसको रखना चाहते हैं। तो आपको वो चीज़ें करनी है जिससे ग्रीन एनर्जी रिस्टोर होती रहे, ना कि वहाँ लाल आ जाए। लाल कैसे आएगी, गर्मा गर्मी कर ली, किसी से लेना है, किसी को देना है, दो गाली दे दी, कुछ कर दी, पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, पूरा दिन खराब हो गया, तो आपकी जो ग्रीन एनर्जी बनी हुई थी वो माइनस में चली जाएगी। तो आपको इस हिसाब से करना है। और देखिए, जब भी आप निगेटिव होते हो तो सारे उल्टे काम तभी करते हो आप, ये चीज़ भी सोच के देखिए। अगर आप कहोगे कि ईश्वर कराते हैं, करते हैं, वो बात का एक टॉपिक है, ईश्वर तो सुप्रीम है, उनकी एक अलग महिमा है, उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर यहाँ की बात करें, अपने हाथ में क्या है, तो उसको इस हिसाब से कर सकते हो कि हमें अपनी एनर्जी कम से कम खुद से क्या नहीं करनी है, ये नहीं करनी है जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो ये चीज़ है। इसके बाद में अगर मैं और आपको बताऊं कि ये है इंट्यूशंस, एक आपने देखा होगा इंट्यूशंस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब ये आप कहोगे कि इंपॉर्टेंट कैसे है, लेकिन मैं कहूँगा इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये समझने की जरूरत है। अब वो कैसे समझने की क्या जरूरत है, अब आप वो समझ लीजिए। इंट्यूशंस का मतलब है इससे मेरा कि देखिए, ईश्वर, यूनिवर्स, या जिसको भी जैसे भी आप चाहो, कभी भी आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, अगर आप एनर्जी का फ्लो समझ चुके हो, तो आपके अंदर कुछ ऐसे भाव डाले जाते हैं उन एंजल्स के द्वारा, जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं उनके द्वारा, गुरु आत्मा के द्वारा, ताकि आप अपने इंट्यूशंस का यूज करके अपनी एनर्जी एनर्जी जो है उसको चैनलाइज कर सको, अच्छे डिसीजन ले सको, अच्छी एक लाइफ निकाल सको, अच्छी लर्निंग्स ले सको। देखिए, अगर ईश्वर चाहे तो मिनटों में सारे दुख दर्द जो भी यहाँ पर गलत फहमियाँ उसको दूर करते हैं, बट ये बिजनेस चलना बंद हो जाएगा, फिर क्या ज़रूरत इतने गोले बनाने की और इतना यूनिवर्स खड़ा करने की। लेकिन सबके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है और जो चलता आ रहा है। तो हमें क्या है कि अपने इंट्यूशंस पे वर्क करना है ताकि चीज़ें चैनलाइज हो सकें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको शायद आ समझ में ना आए बट जल्दी आ जाएगा। सो इंट्यूशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने भाव जो हमारे नेचर की तरफ से आते हैं, एंजल्स की तरफ से आते हैं, उन पर हमें वर्क करना है। और देखिए, ये भाव कैसे हो सकते हैं, अगर एक दो एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बताऊँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हमेशा निगेटिव सोचते होंगे, और जब भी आपके कुछ एक पॉजिटिव भाव आएगा तो आप उसको नेगलेक्ट करते होगे, क्योंकि आपका जो 100% मैंने एक पिज्जा बताया था, पिज्जा को लेकर चल रहा हो या एनर्जी को लेकर चल रहा हो, जो ग्रीन था वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है 80% रेड में, तो 20% पार्ट बचा हुआ है। तो 80% जहाँ लोग रहेंगे तो 20% को तो काबू में कर ही लेंगे। तो अगर वो पॉजिटिव भाव एंजल्स ने या किसी ने डाला भी है, तो आप उसको क्या करते होगे, डिनाई करते होगे, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चीज़ों का रिजल्ट क्या
निकलेगा, वो निकलेगा जो आप सुनना भी नहीं चाहते। काम खराब ही होंगे, आप ईश्वर को भी गाली दोगे, एंजल्स जैसी चीज़ों पे भी बिलीव नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ गाली दोगे। और अगर किसी ने समझाया, मैं जैसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे भी आप गाली दोगे, इतनी सी बात है। सो इंट्यूशंस पर हमें वर्क करना है, ये बेसिक सी बात है, सबको आपको पता है। इसके बाद में है साइकिक शील्ड। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से चला देता हूँ। हाँ, साइकिक शील्ड का क्या मतलब है कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। अब आपकी साइकोलॉजी जैसी होगी, उस तरह की ऊर्जा आप बनाओगे। इस बार चाहे आपको 200% एक छत्ता दे दे ग्रीन एनर्जी का, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी निगेटिव काम कर रही है, जैसे मैं अभी इंट्यूशंस के उसमें समझा रहा था, तो आपकी जो शील्ड है वो हमेशा किस तरह की बनेगी, निगेटिव बनेगी। इससे क्या होगा, अगर कोई आपके प्रति गलत करना चाहता है, ब्लैक मैजिक करना चाहता है, या आपके तरफ को फूंकी मार देगा, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ है, जो एक शील्ड बनी हुई है, वो तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो उसका क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, आप हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा निगेटिव सोचोगे। गलत एक होगा, चार आप गलत खुद से बना लोगे, क्योंकि आपका ऑरा, पूरा साइकिक, पूरा साइकोलॉजी आपकी सब कुछ निगेटिव जाएगी। तो हमें क्या करना है, साइकोलॉजी को शील्ड बनाना है। वो कैसे बनाना है, अपने थॉट्स के द्वारा। थॉट्स कैसे है कि हो सकता है कि आपका माइंड पजल होकर इधर उधर की चीज़ों को करके अगर सिर्फ निगेटिव थॉट आपको दे रहा है, तो उसको स्टॉप करना है ये कह के कि ठीक है, जो होगा मैं देख लूँगा, ईश्वर मेरे साथ में है। तो आप ऐसा सोच के देखो, अपने मन में एक बार रिपीट करके तो देखो, चीज़ें दूसरे हिसाब से स्टार्ट हो जाएंगी, ट्रस्ट में दूसरे हिसाब से स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि एक कह लो कि एक गलत बात है या कुछ भी कहूँ, वो ये है कि हम अक्सर उस चीज़ से अलग हो जाते हैं, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। बट ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं, जैसे भी हम नेगेटिव बोलते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, हालांकि जमाना कुछ इस तरह का है, लेकिन गाली की जगह इंस्टेंट आप दूसरे चीज़ें यूज करेंगे, नमस्कार करोगे, कुछ करोगे, या ग्रेटिट्यूड पास करने की कोशिश करोगे, तो उनका रिजल्ट बहुत अलग आएगा। तो हमें अपनी साइकिक शील्ड बनानी है। कैसे, अपने अंदर जो थॉट उत्पन्न हो रहे हैं, उल्टे सोते, किसी के प्रति गलत करने के, डाउट करने के, फियर के, ये सारी चीज़ों से हमें बाहर आना है। ना किसी के बारे में सोचना है, ना किसी के सुनना है। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो उसे स्पेस ही नहीं देना। अब आगे और भी बहुत कुछ है। अब ये है कि इन्वेस्ट योर एनर्जी। अब देखो, ये ग्रीन छत्ता पूरा बना लिया हमने। अब आपने देखा है कि अगर सब कुछ आपके पास में सब सही है और आप उसको बस रखे बैठे हो, उसको चैनलाइज नहीं कर रहे हो, उसका यूज नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि इतना सब कुछ हो जाएगा, इतना मीठा आपके अंदर हो जाएगा कि वो मीठा ही एक बीमारी की जड़ बन जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको चैनलाइज करना है, अपनी एनर्जी को बांटना है और शेयर उसके साथ में करना है जो उसको ट्रूली डिजर्व करता होगा। वो कौन पर्सन डिजर्व करता होगा, और कोई आपका ऐसा पर्सन जो आपके ईश्वर या आपके एंजल्स या जिसको भी आप मानते हो, वो इशारा करते हों बस उनके द्वारा। और वो इशारे को कैसे समझोगे, आपके इंट्यूशंस की वजह से, कि जिसके पास में बैठ कर आपको अच्छा लगता है, वो पॉजिटिव है, उसके साथ रहने पे आपकी सारी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती हैं, आपकी हीलिंग पावर बहुत बढ़ जाती है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। तो उसके साथ में अपनी पॉजिटिव चीज़ को, जो एनर्जी है, उसको चैनलाइज करने की कोशिश करो, उनसे सीखो, उनको सिखाओ। इट विल वेरी हेल्पफुल, ये सच में उनकी भी मदद करेगा। अगर उनके अंदर कोई लाल टुकड़ा बैठा है और उस निगेटिव एनर्जी का या इस सब सारी चीज़ों का, वो भी ख़त्म हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, तो उनकी भी ग्रीन करो। अगर सारे आप रख के बैठोगे तो देर इज नो स्कोप, वो ख़त्म ही नहीं होगी और वो बीमारी की जड़ बन जाएगी। तो आपको उनको चैनलाइज करना है, उनका खुद को चैनलाइज करना है। बट चैनलाइज करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि अगला पर्सन कैसा है, क्या सच में वो आपकी एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकता है। आप में से एक एग्जाम्पल देख के बताता हूँ। बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, और आप किसी एक गली में, किसी गांव में या कहीं पे भी निकल जाओ, तो चार लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे गाली देने वाले। किसी न किसी नाम से आपको चिढ़ाएंगे कि देखो कितना महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, खुद तो कुछ करता नहीं। तो
हो सकता है कि आप उसी दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो या अपने थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो पर्सन उसी दिन आपको जो एनर्जी बनी थी, जो फ्लो बनने की कोशिश कर रहा था, उसको ब्रेक डाउन करके हमेशा आपको नेगेटिव कर देगा। और आप कहोगे कि ठीक है भाई, मैं नहीं कर सकता, तू सही है, तेरे हिसाब से जो तू चाह रहा था मैं वही करूंगा। फिर क्या करेंगे, उनकी संगत बड़ी हो जाएगी। इसलिए आज के दौर में कोई अच्छा करता है तो उसको बुरा माना जाता है, और कोई बुरा करता है, कोई किसी को मार के पैसा हड़प लेता है या कुछ कर लेता है, तो उसकी ही वाह 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 होती है। बोलते ना कि आज कुछ कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा और ये मटेरियलिस्टिक चीज ही सब कुछ है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो आपको अपनी जो एनर्जी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं, एंकर एंड क्लियर। तो एंकर एंड क्लियर का क्या मतलब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंकर एंड क्लियर का मतलब है दोस्तों कि कोई थॉट आपके मन में आया, कोई एक इंट्यूशन साई समझ लो, कुछ ऐसा विचार आया, हो सकता है कि किसी ने आपको गलत बोल दिया, या जैसा आप सुनना चाहते हो तो इस तरह से नहीं बोल दिया। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, मुझे अक्सर चैनल पर गलत बोलते रहते हैं कि अपना ज्ञान बढ़ाओ, ये करो वो करो, और मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास में इतना ज्ञान है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, जी नहीं। मैं बस अपने थॉट प्रोसेस को बाहर रखता हूँ, उसमें से किसी को उससे मदद हो जाती है, तो बस इतना ही है। आई एम नेवर सेड दैट कि मैं वो हूँ। देखिए, हम इस यूनिवर्स का अगर आप जाकर देखोगे, साइंटिस्ट ने बहुत सारे पिक्स लिए हैं, पृथ्वी एक दाने के बरोबर है। अब पृथ्वी कितनी बड़ी है, उसके अंदर हम कहाँ हैं, और हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ आता है तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, अगर कोई कहता है कि मुझे भी कुछ आता है तो उससे भी बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। हम यहाँ सिर्फ एक विद्यार्थी के रूप में एक कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं। आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे होगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ इस क्षेत्र में कुछ करने की, बस इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बहुत साधारण हूँ। अगर आपके मन में कोई थॉट आता है, कुछ आता है, तो उसको चैनलाइज करो और क्लियर करो। नेगेटिव भी आ रहा है तो उस पर बात करो और उसको ख़त्म करो। अगर पॉजिटिव है उसको भी यहाँ रख लिया, और नेगेटिव आया उसको भी यहाँ रख लिया, तो जो छत्ता था आपका ग्रीन वाला, उसमें क्या लग जाएंगे, एक तरह से जीवाणु लग जाएंगे, कीटाणु लग जाएंगे, या जैसे भी आप इसको समझ सको, वो सब लग जाएगा, और वो घुन की तरह उसको खाते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ही उसी के जाल में फंस जाओगे, और पूरी 100% ग्रीन से होके और रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो भी थॉट आ रहे हैं, उनको देख के, उन पर एंकरिंग करके उसको क्लियर कर देना है, बस इतनी सी बात है। एक आप एनर्जी इन्वेस्ट करने का जो मैंने बोला था, उसमें कुछ अपने द्वारा कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। वो क्या है कि आप सबसे बेहतर अपना कोई एक ऐसा पर्सन जो रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, उस पर स्पेंड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा है कि वो अपनी एनर्जी तो स्पेंड करते हैं, बट उन लोगों पे करते हैं जिन लोगों पे को उनको पता भी नहीं है, वो उनका भी यूज़ कर रहे हैं और वो भी उनका यूज़ करना चाहते हैं। तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करना है। अब मैं आता हूँ कंक्लूजन पे, क्या ये हेल्पफुल है, क्या इससे कोई हेल्प हो सकती है। अगर आप में से बहुत सारी चीज़ सोच बोल रहे होंगे कि अगर कोई हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू करता है, या कोई हमें भूतों से परेशान करता है, तो क्या ये सारी चीज़ मदद करती है, तो जी बिल्कुल करती है। देखिए, कोई आदमी एक्स वाई प्लेस पर बैठा है, सपोज करो, वो आदमी क्या करेगा, आपको वहां से बैठ के कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आपका बुरा हो। अब वो करेगा कैसे, सिर्फ वहां से वाइब्रेशंस के द्वारा, इनविजिबल चीजों के द्वारा जो हमें नहीं दिखती। अगर कोई सामने से पर्सन आके बैठ रहा है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उठ के वहां पे उसके पकड़ लूंगा ना कि भाई तू क्यों मारेगा मुझे। लेकिन जो चीजें हमें दिख ही नहीं रही है, अगर उन चीजों के द्वारा वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा, और वो हम अंदर ही अंदर परेशान हो जाएंगे। और वो हमें परेशान कैसे करेगा, किस तरह से करेगा, इनविजिबल चीजों से, तो वो है थॉट्स, एनर्जी, वाइब्रेशंस, चक्रा, सब कुछ इसमें आ जाएगा, सिर्फ ये जो पूरी साइकिल है इसकी वजह से। अगर आप अपने अंदर की जो एक पूरी एनर्जी है उसको एक बना के रख लोगे इस तरह से, तो देखिए वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने दूसरे पर्सन को आने की अनुमति ही नहीं दी है अपने ओरा में। जब आपका ओरा इतना मेंटेन रहेगा, किसी के गलत थॉट आपके पास में नहीं आएंगे, वो टकरा टकरा के बार बार आपके यहाँ से चले जाएंगे। तो देखिए, यही हेल्पफुल करता है आपको हर चीज से बचाने के लिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको बस एक छोटा सा ये बोलते कि भाई कुछ दवाई दे, कुछ कर, कोई मंत्र फूंक, कैसा कर, हम पर है। तो देखिए, इस तरह से नहीं होता। और जो भी ऐसा करते हैं,
पहली बात तो बहुत गलत बात है, उसको नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, किसी की वाइब्रेशंस अपने ऊपर गलत तरीके से गलत थॉट के साथ में नहीं चैनलाइज करनी चाहिए, बट लोग करते हैं क्योंकि ये बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ये ईश्वर का भी एक बिजनेस है। वो कई बार क्या होता है, कर्म का सिद्धांत क्यों है हमारे साथ में, सिर्फ वो इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस चलता रहे, मरण जन्म चलता रहे। कुछ ऐसी महान आत्माएं हैं जिन्होंने अच्छा करा और वो यहाँ से निकल गई और आज वो बहुत बड़े स्केल पर है, हायरार्की पे बैठे हैं और दूसरे रूप में हम सबकी मदद करते हैं। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में फॉलो करते हो सकता है कि आपकी बहुत हेल्पफुल हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आज की वीडियो ने थोड़ा बहुत आपको हेल्प किया होगा। तो देखिए, हमारी कुछ दो बुक्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और क्यों इंपॉर्टेंट है उनके पीछे की भी मैं आपको वजह बताऊंगा जो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हमारी दो बुक्स हैं, एक है प्योर स्पिरिचुअलिटी, एक है अवेकन सोल। आपको नाम नहीं दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ तो उल्टा दिखेगा, लेकिन हाँ, ये दोनों बुक्स जो है एक स्पिरिचुअल बुक है, जो आप लोग अक्सर खोजते रहते हैं ना कि सर हमें कोई स्पिरिचुअल बुक बताओ, तो उसी के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बुक क्यों है, कैसे हैं, आप ये भी जानना चाहते होगे तो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्योर स्पिरिचुअलिटी जो बुक है वो रिलेटेड है कि आपको जो जन्म से एक अंधकार में रखने की या ऐसी ट्रेनिंग देने का जो प्रोसेस चलता है, हमारे कल्चर्स है, हमारे घर से है, या जो भी आपके अंदर मिलावट करते हैं, और मिलावट करने के बाद में आपको एक समय अपने आप में ठगा से महसूस करते हो कि मेरे साथ में हुआ क्या, मेरी लाइफ में आके करा क्या, तो उस जो ठगपन को से दूर करने के लिए जो प्योर स्पिरिचुअलिटी बुक है वो आपके हेल्प करती है, ताकि जो आप अंधकार में जी रहे थे उससे निकल कर आप प्रकाशीय चीज़ों में आ सको, जो एक प्रोसेस है उसमें आ सको। नेचर आपसे क्या चाहता है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्या रिलीजियस होने के कारण आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या खो रहे हो, और जो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आ सकते हो क्या क्या प्राप्त कर सकते हो, और किन किन चीज़ों से हट सकते हो जो आपको अंधकार में लेके जा सकती है, इस चीज़ का सारा ज्ञात ज्ञान ये बुक कराएगी, आपको पूरा ज्ञान ही आपको बना देगी, स्पिरिचुअल लेवल से जो आज आपका लेवल है उससे आपको अपग्रेड कर देगी। ये बुक कोई भी रेफर कर सकता है, चाहे आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही हो चाहे हो चुकी हो, क्योंकि इसमें इतने अच्छे से समझाया गया है जैसे कि आपकी एक व्हाट्सएप पे अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने परिजनों की तरह, परिजनों के साथ में, उस हिसाब से जब हम ये सारी चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो उसी लैंग्वेज को मैंने इसमें डाला है ताकि आप बोर फील ना करो, आपको ग्रंथ के ग्रंथ ना लगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहे, तो बहुत सिंपलीफाइड करके लिखा हुआ है, विद पिक्चर मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ, एक हमारी बुक है जो दूसरी है अवेकन सोल। अगर मैं इनकी बात करूँ तो अवेकन सोल इस तरह का काम करती है, ठीक है, आप अंधकार से तो यहाँ पर आ चुके हो, अंधकार से आने के बाद में अब आप जियोगे कैसे, चलो स्पिरिचुअलिटी का लेवल तो आ गया, अब आप अवेकन कैसे होगे, अपने आप को समर्पण कैसे करोगे, इच्छाएं को कैसे काबू में करोगे, मेडिटेशन क्या मतलब सच में वर्कआउट करता है या सिर्फ जो चौंचड़े सिखाए जा रहे हैं इस हिसाब से होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सोल कैसे जन्म लेती है इसके बारे में, सोल हमारा पर्पस क्या है, भगवान से हम कैसे बात कर सकते हैं, क्या भगवान जैसा हम सोचते हैं ऐसे ही होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें इसमें दी हुई हैं जो अवेकन करती है, जैसे इस बुक का टाइटल है अवेकन सोल, तो वो तो आपको प्योर स्पिरिचुअलिटी मतलब आपको एक जो लेवल है उससे अपग्रेड करके एडवांस लेवल पे लेके जाती है, और जो ये है अवेकन सोल, ये आपको अवेकन करती है, जागृत करती है कि जो जीवन आप जी रहे हो उसमें आप सही भी हो या ऐसे ही हो। तो आई होप कि ये बुक आपका जो कॉन्सेप्ट है दोनों क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में मैं अब आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये बुक आपको कैसे परचेस करनी चाहिए। तो इनको परचेस करने के लिए देखिए, अमेजन किंडल ऑलरेडी जो एक सॉफ्ट कॉपी वाला वर्जन है वो अवेलेबल है वहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर आपको हार्ड फॉर्मेट चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सअप करना है, जो हमारा नंबर है 7895591900 पे, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस उनसे पूछना है कि मुझे आपकी बुक ऑर्डर करनी है, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि आप इसको कंबाइंड लीजिए, दोनों बुक को एक साथ में लीजिए, उसमें आपको राहत क्या मिलेगी। देखिए, ये दोनों एक बहन की तरह है, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है, बड़ी बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, छोटी बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, लेकिन आप दोनों के बिना नहीं रह सकते, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों बुक को लीजिए, और इसमें अगर फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फाइनेंशियली आपको सेव हो जाते हैं कुछ पैसे, जैसे कि जो भी प्राइस है उसमें से 200 रुपये कम से कम आपको सेव हो जाएंगे, और प्लस शिपिंग चार्जेस, जो अगर आप बार बार मंगाओगे
तो एक बार फिर आपको कोरियर का देना पड़ेगा एक बार फिर, लेकिन इसमें हमने फ्री रखा हुआ है, तो क्योंकि हमारा कमाने का मतलब नहीं है, बस ये मतलब है ताकि आपका जो भी एक अवेकनिंग पर्पस है, जो आप अवेकन होने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको हेल्प मिल जाए। लास्ट में इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस बुक से जो भी अर्निंग होगी वो अर्निंग एक ऐसे जगह लगेगी जो बहुत जल्दी मैं आपके साथ में रिवील करने वाला हूँ। एक सेंटर हम बिल्ड कर रहे हैं, वो हम सबका सेंटर रहेगा, और उस सेंटर में जब आप आओगे तो आपकी सारी चीज़ें, मतलब अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस एक समय आएगा और आप खुद एक्सप्लेन करोगे कि ये क्या है। तो बस ये एक प्रोसेस है, आई होप कि थोड़ा थोड़ा आप हमें सपोर्ट करोगे, और सपोर्ट करके जो भी आउटपुट आपको मिलेगा उसमें आप खुद की मदद करोगे, भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। बस इतना ही चाहता हूँ।